नमस्कार, मेरा नाम शिवम गौड़ और आप देख रहे हैं आईपीएल दे दनादन। आईपीएल तेहरे के आज के दिन का जो मैच होगा राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता के बीच में ये मैच होना है। अगर बात करें कैसी रहोगी आज के मैच में, क्या बल्लेबाज चलेंगे या गेंदबाज चलेंगे, देखिए इस रिपोर्ट में, फिर आगे मैच के बारे में डिस्कस करते हैं। आईपीएल 13 के सीजन का 12वां मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच दुबई में खेला जाएगा। राजस्थान ने अपने पिछले मैच में लीग का सबसे बड़ा टारगेट चेज किया था, वहीं केकेआर ने पिछले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद को हराया था। पिछले 5 साल की बात करें तो राजस्थान की टीम केकेआर के खिलाफ सिर्फ एक मैच ही जीत पाई है। इस दौरान दोनों के बीच 5 मुकाबले खेले गए। वहीं इस सीजन में राजस्थान का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा, उसने अपने दोनों मैच 4 जहां में खेले, दोनों बार 200 से ज्यादा रन का स्कोर बनाकर मैच जीते हैं। केकेआर ने सीजन में अब तक 2 मैच खेले जिसमें से उसे एक में जीत मिली और एक में हार का सामना करना पड़ा। सीजन में यहां कोई टीम चेज नहीं कर पाई। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में होने वाले मुकाबले में गेंदबाजों की भूमिका अहम रहेगी। इस सीजन में अब तक यहां 5 मैच खेले गए, 5 मैचों में यहां दुबई के पिच पर कोई भी चेज नहीं कर पाया है। दिल्ली पंजाब और बेंगलुरु मुंबई के बीच का फैसला सुपर ओवर में हुआ था, लेकिन दोनों मैचों में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को जीत ही मिली थी। पिछले मैच के हीरो राहुल तेवतिया पर सबकी नजर। पंजाब के शेल्डन कॉटरेल के एक ओवर में 5 छक्के लगाकर राजस्थान को जीत दिलाने वाले राहुल तेवतिया से इस मैच में भी वैसे ही प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। तेवतिया ने पिछले मैच में शानदार 50 लगाकर अपनी टीम को हारा हुआ मैच जिता दिया था। आईपीएल 13 के सीजन का हेड टू हेड रिकॉर्ड है। अगर पिच की बात करें तो कैसा रहेगा पिच में आज, क्या बल्लेबाज चलेंगे या गेंदबाजों का होगा, गेंदबाज करेंगे करामात, आइए जानते हैं पिच रिपोर्ट के बारे में और देखेंगे कैसा है यहाँ पर मौसम। दुबई में ये मैच होना है। तापमान की अगर बात करें 27-27 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान रहने की संभावना है। पिच से बल्लेबाजों को मिल सकती है मदद। यहाँ स्लो विकेट होने के कारण स्पिनर को भी मिलेगी काफ़ी मदद। दुबई में मैच के दौरान आसमान रहेगा साफ, यानी वेदर जो है बिल्कुल क्लीन रहेगा, कोई बारिश की कोई आशंका नहीं। तापमान थोड़ा यहाँ पे गर्मी भरा मौसम रह सकता है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले मैचों में हमने देखा है किस तरीके से ह्यूमिड वहाँ पे रहता है, वहाँ पे ह्यूमिडिटी काफ़ी होती है। अगर दोनों टीम के हेड हेड मैच के बारे में अगर बात करें तो अगर देखिए 21 मैच दोनों टीम के आमने सामने हुए हैं, जिसमें से 10-10 मैच दोनों टीम ने जीते हैं। अगर एक मैच की बात करें, एक मैच इनका बेनतीजा रहा है। राजस्थान और कोलकाता ने 10-10 मैच जीते हैं, एक मैच बेनतीजा रहा। राजस्थान और कोलकाता के बीच बराबरी की टक्कर रही है अभी तक। दोनों के बीच अब तक 21 मुकाबले खेले गए हैं, यानी कह सकते हैं किसी भी अगर रिकॉर्ड्स की बात करें दोनों टीम का पलड़ा सेम रहा है, कोई किसी पे भारी नजर नहीं आता है। राजस्थान और कोलकाता के बीच बराबरी की टक्कर रही है अभी तक। दोनों के बीच अब तक 21 मुकाबले खेले गए हैं, राजस्थान और कोलकाता ने 10-10 मैच जीते हैं अभी तक, एक मैच बेनतीजा रहा। अगर बात करें दोनों टीम के लास्ट मैच की तो दोनों टीम काफी अच्छा खेल रही है। अगर बात करें केकेआर की तो केकेआर ने जिस तरीके से लास्ट मैच में विनिंग करी है, तो देखना होगा किस तरीके से आज दिनेश कार्तिक खेलते हैं और अपने डाउन ऑर्डर को किस तरीके से रिसफल करते हैं। अब बात करते हैं अगर उधर राजस्थान रॉयल्स की, तो राजस्थान रॉयल्स की टीम काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। संजू सैमसन बहुत बड़ा स्टार और जिस तरीके से वो परफॉर्म कर रहे हैं, देखना ये होगा कि आज के मैच में किस तरीके से अपने टीम को विनिंग फॉर्मेट में लेके जाते हैं। चर्चा के लिए आगे हमारे साथ जुड़ रहे हैं वसीम रजा जो कोच हैं, और साथ ही हमारे साथ हमारे जो गेस्ट हैं यश गौड़, राजस्थान से वो जुड़े हुए हैं, पूर्ण रणजी प्लेयर हैं। यश जी बहुत बहुत स्वागत आपका। तो आज का जो मैच है किस तरीके से आप देखते हैं, किस टीम का पलड़ा भारी लग रहा है आपको आज, क्योंकि जिस तरीके से राजस्थान रॉयल ने 2 मैच में लगातार
रन बनाए हैं और जो जिस तरीके से उनका टॉप ऑर्डर बैटिंग टॉप ऑर्डर जिस तरीके से चल रहा है, तो क्या लगता है कि आज के मैच में भी खूब रन बरसेंगे? हाँ शिवम जी, पहले बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझता हूँ कि अभी टूर्नामेंट को चलते हुए 10-11 दिन हो गए हैं और लोग जो सारे प्लेयर्स हैं लगभग भारतीय टीम के वो लय में आ रहे हैं। जैसे कल हमने हैदराबाद की टीम को भी देखा, उसी तरह से देखा जाए तो राजस्थान अपना तीसरा मैच खेल रही है और क्या आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली होना है वीरो पिछले दो मैचों में। और केवल केकेआर का ज्यादा प्रश्न है, मैं समझ रहा हूँ उनको भी लय में आना पड़ेगा क्योंकि टूर्नामेंट इस लेवल पर पहुंच गया है कि उनको अपर ऑर्डर जो उनका बैटिंग ऑर्डर है उसको क्लिक करना पड़ेगा। बैटिंग लाइन में उनके भी डेप्थ है लेकिन वो क्लिक नहीं कर पा रहे हैं और थोड़ा रीशफलिंग भी बैटिंग ऑर्डर में होगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा, जिससे क्या रन पहली बॉल से ही बनाना जरूरी हो जाएगा क्योंकि वो ज्यादा अच्छा टारगेट सेट नहीं कर पा रहे हैं। राजस्थान रॉयल का सवाल है, मैं समझता हूँ कि टीम में बहुत गहराई है, 7वें नंबर तक बैटिंग है और ऊपर वाले बैट्समैन इतना अच्छा खेल रहे हैं कि मिडल ऑर्डर पे लोड नहीं आ पा रहा है। इसका कारण ये है कि वो अच्छा स्कोर बनाने में कामयाब होते हैं और बाकी के काम जो उनके बॉलर्स हैं, आर्चर हैं, राहुल है, श्रीकेश गोपाल है, इन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। तो आज मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छा टसल दोनों के बीच में देखने को मिलेगा। वसीम, अगर संजू सैमसन की बात करें, कैसे देखते हैं संजू सैमसन को इस आईपीएल में, क्योंकि लास्ट के दो मैचेस में सिंगल हैंडेडली अपनी टीम को आगे लेकर के आए हैं। अगर बात करें थोड़ा सा आईपीएल से हटके, अगर हम बात करें, क्या लगता है कि आने वाले T20 टीम में, इंडिया की टीम में उन्हें देखते हैं आप? 100% जिस हिसाब से संजू सैमसन ने स्टार्ट करा है आईपीएल और वैसे भी जो पीछे के उसके आपके डोमेस्टिक मैचेस देखेंगे तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और इस टाइम सबसे अच्छा जो टच में लग रहा है संजू सैमसन ने जो तैयारियाँ की हैं बिफोर द टूर्नामेंट और जो लॉकडाउन में जो उसने 7-8 महीने की जो अपनी तैयारियाँ आईपीएल की जो की थी उस हिसाब से वो बिल्कुल खरे उतर रहे हैं। और अगर आप देखेंगे आईपीएल में जितने भी प्लेयर्स हैं सबसे ज़्यादा अच्छे टच में जो है वो संजू सैमसन ही नज़र आ रहे हैं। अगर केकेआर की बात करें, यश जी आपसे सवाल है मेरा, अगर केकेआर की बात करें तो किस तरीके से दिनेश कार्तिक की स्ट्रेटेजी होगी, कैसे वो संजू सैमसन को रोक पाएंगे और साथ ही उनके जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं स्टीवन स्मिथ जो ऑस्ट्रेलिया से आते हैं और बहुत बड़ा नाम है वर्ल्ड क्रिकेट में, सिंगल हैंडेडली वो भी मैच जिता के चलते हैं, तो क्या लगता है किस तरीके से बॉलिंग अटैक होगा केकेआर का, कैसे दिनेश कार्तिक अपने बॉलर्स को स्पॉट बॉलिंग के लिए प्रेरित करेंगे, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए जी, संजू सैमसन को पकड़ना सर्कल में ही ज़रूरी है क्योंकि जैसा वो बैटिंग कर रहा है थ्रू आउट द इनिंग, जैसे वो जितने अच्छा वो खेल रहा है, दूर का बॉल भी बड़ा अच्छा पिक कर रहा है, उसके लिए नारायण को बहुत अच्छा प्रिपेयर होना पड़ेगा उसको आउट करने के लिए। आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉल डालना पड़ेगा, थोड़ा दूर फेंकना पड़ेगा क्योंकि जितना भी उसके रीच में बॉल गिरा है वो बहुत ही अच्छा उसको पिक कर रहा है। अगर आप देखेंगे CSK वाला मैच देखेंगे या दूसरा मैच देखेंगे तो थ्रू आउट द इनिंग उसने जो थोड़ा सा भी खिंचा हुआ बॉल उसे मिला है, जो उसकी लेंथ में मिला है, रडार में मिला है, वो उसने आउटसाइड द बाउंड्री ही मारा है। तो उसके लिए जो जितना उसका एक्सपीरियंस है नारायण का उस वो ही आउट कर सकता है उसको संजू सैमसन को। यस जी, मैं ये जानना चाहता हूँ जिस तरीके से लास्ट के मैच में आपने देखा राजस्थान रॉयल्स की तरफ से राहुल तेवतिया ने एक डिफरेंट इनिंग खेली और लगातार शेल्डन कोटरल को 5 छक्के जड़े और उससे पहले स्ट्रगल हालांकि हमें देखते हुए दिखे थे वो करते हुए दिखे थे, लेकिन जिस तरीके के उन्होंने गेम चेंज करा, क्या लगता है आज के मैच में क्या वो गेम चेंजर हो सकते हैं या संजू सैमसन के ऊपर काफ़ी दारोमदार रहेगा? दोनों में किसे समझते हैं आप गेम चेंजर? मैं दोनों डिफरेंट बात है। पहले आपने मेरे से क्वेश्चन किया शायद उसका आंसर पूरा नहीं दे पाया था, मैं आपको बताना चाहूँगा। संजू सैमसन की जो बैटिंग स्टाइल है वो नया बॉल को बहुत अच्छी तरह खेलता है, निकल के खेलता है, लॉफ्टेड शॉट उसके बस स्विंग को बहुत अच्छा खेलता है। वो मीडियम पेसर जो शुरू में उसको बॉल डाल रहे हैं, हालांकि KKR में स्पिन से स्टार्ट किया जाता है एक एंड से, अगर मीडियम पेसर उसको डाल रहे हैं तो बैक फुट को जितना खिलाएंगे तो कंट्रोल करने में आसानी रहेगी, पहली बात। और जहां तक राहुल त्रिवेदिया का सवाल है, राहुल त्रिवेदिया का हम कह सकते हैं उसने उस दिन उसका वो डे था, बहुत अच्छी बैटिंग करी उसने और कुछ उसको बॉल भी उसके उसके जो हाईलाइट वाले एरिया में मिल रही थी जहाँ वो अच्छा खेलता है, उसको थोड़ी अगर वेरिएशन होता तो शायद उसको कंट्रोल कर पाते। तो मैं समझता हूँ राहुल त्रिवेदिया अगर आज एक बार वापस वैसा ही गेम दोहराता है तो KKR के लिए वास्तव में एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, ऐसा मेरा मानना है।
वसीम, जिस तरीके से दुबई का विकेट इस समय आप देख रहे हैं, लास्ट के 5 मैचेस में वहाँ पे कोई अभी तक चेज नहीं कर पाया, तो काफ़ी स्लो विकेट होता जा रहा है। और अब अमूमन जो विकेट होते हैं ग्राउंड पर, वो 2-3 विकेट होते हैं जिन पर खेला जाता है, तो हमें ये नहीं पता कि आज किस विकेट पर मैच होना है, क्योंकि आप वहाँ पर गए हुए हैं, आप खेले हुए हैं, दुबई में आप खेले हैं, आप खेले हैं शारजा में, तो कैसा लगता है कि किस तरीके से आने वाले जो बैट्समैन है, क्योंकि कल आप देखें, कल का हम जिक्र करते हैं, कल का जो स्कोर था 162 रन पे बनाया था दिल्ली आपका सनराइजर हैदराबाद ने, उसके बाद आपका दिल्ली कैपिटल उसको चेस नहीं कर पाई, तो काफी दिक्कत लग रही थी स्टार्टिंग बॉल आने के लिए, तो क्या लगता है कि किस तरीके से आज के जो फॉर्म में बैट्समैन चल रहे हैं, संजू सैमसन है, और दूसरी तरफ आपके दिनेश कार्तिक को भी अच्छा स्टार्ट मिल रहा था, सुमन गिल ने लास्ट मैच में 70 रन बनाए थे, तो क्या लगता है, क्या इजिली रहेगा आज का विकेट, या कुछ स्लो विकेट हमें देखने को मिल सकता है? देखिए, जो आईपीएल धीरे धीरे चल रहा है, जैसे जितने मैचेस होंगे उतना विकेट स्लो होता जाएगा, क्योंकि मैचेस इतने कंटिन्यू बैक टू बैक मैचेस हो रहे हैं। लेकिन हाँ, ये है कि जहाँ पे दुबई में बेसिकली क्या होता है, थोड़ा सा ग्रासी रहता है विकेट, जो येलो ग्रास होता है, तो आज का जो मैच है आपको हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिलेगा। मतलब जो दुबई का विकेट होता है वो ज़्यादा बैटिंग को फेवर करता है। अच्छा, चलिए बात करते हैं, आपने बोला कि हाई स्कोरिंग ये मैच हो सकता है, क्योंकि बहुत खतरनाक फॉर्म में हमें दिख रहे हैं जो राजस्थान रॉयल्स के जो प्लेयर्स हैं। अच्छा, बात करते हैं इनके ओपन बैट्समैन की, अगर देखिए जिस तरीके से केकेआर की हम बात कर रहे हैं, क्या वसीम आपको आवाज़ आ रही है हमारी? या मुझे आ रही है। बस वसीम, हम बात कर रहे हैं दिनेश कार्तिक की, उनकी टीम की, उनका जो डाउन आप देखिए, उनके पास दो एक ऐसे एसेट हैं, जैसे बात करिए आप योन मॉर्गन की, आप बात करें आंद्रे रसल की, जो मसल पावर उनको कहा जाता है, लेकिन उनको इस तरीके से अभी इस्तेमाल नहीं कर पाए दिनेश कार्तिक, तो क्या लगता है कि आज उनके डाउन में सफल आप देख सकते हैं? बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक है, रसल को उनको ऊपर बैटिंग करानी पड़ेगी, क्योंकि जितना आप अपने बेस्ट बैट्समैन को ओवर देंगे T20 में, उतना ही ज़्यादा वो टीम के लिए फायदेमंद होगा। दिनेश कार्तिक नंबर 3 खेल रहे हैं, दिनेश कार्तिक नंबर 4 नंबर 5 खेल सकता है, क्योंकि वो स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलता है। बट जहाँ तक रसल का मॉर्गन का सवाल है, वो अभी T20 लीग और इंटरनेशनल मैचेस खेल कर आए हुए हैं, तो उनको ज़्यादा ऊपर खिलाना चाहिए, मेरे हिसाब से 3-4 नंबर इन दोनों को खिलाना चाहिए। चलिए देख लेते हैं आज के मैच की क्या प्लेइंग 11 है, क्योंकि हम जो प्लेइंग 11 बनाते हैं वो लास्ट के मैच से हम देखते हैं क्या आज की प्लेइंग 11 हो सकती है। चलिए देखिए, नज़र डालते हैं आज के दोनों टीम की प्लेइंग 11 की। स्टीवन स्मिथ जो अच्छी फॉर्म में हमें नज़र आ रहे हैं और कप्तान हैं राजस्थान रॉयल के, जोस बटलर अभी पहला मैच खेले थे, कुछ कर नहीं पाए, लेकिन बहुत बड़ा नाम है जोस बटलर। संजू सैमसन अपने आप में किस तूफान के साथ, वो पता नहीं क्या उनके जहन में चलता है, किस तरीके से खेलते हैं। रोविन उत्तप्पा बहुत एक्सपीरियंस खिलाड़ी और लगातार पहले खेलते आए, कितने बड़ा एक्सपीरियंस। रियान पराग एक अच्छा ऑलराउंडर। सुरेश गोपाल अपनी फिरकी के लिए जाने जाते हैं, तो ये भी बहुत बड़ा एसेट है राजस्थान रॉयल्स के लिए। टॉम करन काफ़ी महंगे साबित हुए थे, लेकिन फिर भी देखें तो एक काफ़ी नाम रहा है ना ओवरसीज़ में। राहुल तेवतिया, अरे ये तो स्टार प्लेयर हैं, गेम चेंजर है, इनकी क्या बात करें। जयदेव उनादकट का हम नाम ले रहे हैं, लेकिन शायद इनके देखते हैं इनका कुछ चेंज हो सकता है आज के मैच। जोफ्रा आर्चर बल्ले से लगातार छक्के मारते हैं और बॉलिंग तो कमाल है, माशाल्लाह क्या बॉलिंग करते हैं। अंकित राजपूत हैं लास्ट में। दिनेश कार्तिक, हम केकेआर की बात कर रहे हैं, दिनेश कार्तिक केकेआर के कप्तान, फर्स्ट डाउन पर आते हैं। सुमन गिल क्या गेम खेल रहे हैं आज का, लास्ट मैच में 70 रन बनाए थे, बहुत शानदार इनिंग थी। नीतीश राणा फर्स्ट डाउन पर आते हैं, देखना ही होगा किस तरीके से आगे चलकर अपनी इनिंग को बिल्ड करते हैं। इयान मॉर्गन कप्तान है इंग्लैंड टीम का, वर्ल्ड कप जिताया है, काफ़ी एक्सपीरियंस के कप्तान है। सुनील नारायण आप देख सकते हैं किस तरीके से बॉलिंग में और बैटिंग में परफॉर्मेंस देते हैं अपनी, अभी तक कुछ कर नहीं पाए। आंद्रे रसल की बात कर रहे हैं, आंद्रे रसल पावर अगर ये चले तो फिर कोई नहीं रहेगा सामने। वरुण चक्रवर्ती लास्ट मैच में किस तरीके से इन्होंने बॉलिंग करी आप सब जानते हैं। शिवम मावी यही नोएडा के रहने वाले और किस तरीके से ये बॉलिंग कर रहे हैं, इंडिया का फ्यूचर स्टार है। कुलदीप यादव यानी चाइना मैन बॉलर, जिस दिन इनका दिन है तो ये कमाल करेंगे। कमलेश नागरकोटी किस तरीके से इन्होंने लाइन लाइन से कल बॉल करी। पैट कमिंग्स इस समय इस साल का सबसे महंगा खिलाड़ी और जिस तरीके से लास्ट मैच में इन्होंने बॉलिंग करी, अंदर आती हुई बॉल पर काफ़ी परेशान करा बैट्समैन को और बैटिंग में भी अच्छे खासे हिट लगाए थे जसप्रीत बुमराह की गेंद पे। चलिए बात करते हैं और जानते हैं क्या है हमारे एक्सपर्ट का रिएक्शन इस प्लेइंग 11 पे। यश जी आपसे जानना चाहेंगे क्या है आपके प्लेइंग 11? मैं समझता हूँ प्लेइंग 11 जहाँ तक आपने राजस्थान रॉयल का बताया है उसके अंदर टीम बिल्कुल फर्स्ट क्लास है और विकेट शायद वही टीम होगी क्योंकि विनिंग टीम था लास्ट मैच का। पर समझता हूँ मैं जयदेव उनादकर जो है कुछ अभी तक विशेष नहीं कर पाया उनकी जगह, वो अगर दूसरा एक सीमर ट्राई करे तो वरुण नारायण को एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है उसके लिए। बाकी तो टीम फर्स्ट क्लास है और सेम टीम से खेला जा सकता है एक्सेप्ट उनादकर।
और एज फार एज केकेआर इज कंसर्न, तो मैं समझता हूँ केकेआर अभी कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करेगा, केकेआर को केवल उन्हें स्ट्रेटेजी प्लानिंग को थोड़ा बदलना चाहिए, उनको थोड़ा मैच में एजाइल होके बैटिंग के टाइम पे क्विक रन रीशफलिंग करें बैटिंग ऑर्डर में, जैसे हमारे कलीग ने बताया अब ये बिल्कुल रसेल को बिल्कुल प्रमोट करना चाहिए बैटिंग ऑर्डर में क्योंकि वो क्विक खेलते हैं, और दिनेश कार्तिक को नीचे आना चाहिए जिससे क्या डिलीवरीज वेस्ट नहीं हो, और अच्छा रन रेट को अगर एक्सेलरेट करने में रसेल जितना कामयाब होगा उतना दिनेश कार्तिक भी। और जहां तक बॉलिंग का सवाल है, बॉलिंग इस तो बात कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यश जी आपने बिल्कुल सही कहा क्योंकि रसेल को ऊपर आना पड़ेगा क्योंकि जितनी डिलीवरी वो खेलेंगे तो अच्छे सिक्सेस में डिलीवर कर सकते हैं एक एक डिलीवरी को, उनकी मतलब सिक्स मारने की कैपेसिटी भी अच्छी है और बॉल पे चढ़ के खेलते हैं, वो बॉल को जल्दी देख लेते हैं और अच्छा स्टेप आउट होके हुक शॉट भी। वसीम जिस तरीके से आपका एक्सपीरियंस है क्या लगता है आज की जो हमने टीम बनाई है क्या लगता है कोई चेंजेस नजर आते हैं या इसी टीम के साथ उतरना चाहेंगे दोनों, इसी प्लेइंग 11 के साथ उतरना चाहेंगे दोनों टीमें? जी दोनों टीम मैच जीत कर आई है, मुझे लगता है कि विनिंग टीम में चेंजेस होने की जरूरत है। बिल्कुल सही है जयदेव उनाडकर उस अपनी फॉर्म में नहीं है, उस लैब में नहीं है जैसे वो बॉल डालता है, बट उसने डोमेस्टिक सर्किट में बहुत अच्छा बॉल डाला है और थोड़ा सा भी इनिशियल अभी स्टार्टिंग के मैचेस हैं इसमें कहना बहुत जल्दी रहेगा कि किसको बिठाना है किसको खिलाना है, क्योंकि यह है कि हमें सबको पता है कि इंडियन जितने क्रिकेटर्स हैं वो आफ्टर 6 to 7 months ग्राउंड पर वापस आए, तो अभी काफ़ी मैचेस हैं, अभी तीसरा चौथा मैच है, पहले राउंड चल रहा है, तो मुझे लगता है जयनेंद्र उनाडकर को एक दो चांस और देने बनते हैं टीम के और उस वो और आगे फ्यूचर में अच्छा कर सकता है। वसीम अगर बात करें स्पिन बॉलिंग की, आप देखिए केकेआर की टीम में किस तरीके से कुलदीप यादव हैं, राहुल चक्रवर्ती हैं और इनके पास सुनील नारायण हैं, तो क्या लगता है कि जिस तरीके से लास्ट मैच में चक्रवर्ती ने बॉलिंग करी तो क्या कितना बड़ा एसेट समझते हैं केकेआर की टीम में उन्हें? बहुत बड़ा, बहुत अच्छा एसेट है क्योंकि स्पिनर डिपार्टमेंट आई थिंक केकेआर का बेस्ट स्पिनिंग अटैक है क्योंकि उनके पास नारायण है जो कि टॉप क्लास बॉलर है वर्ल्ड का, उसके बाद आपके पास इंडिया का बेस्ट चाइना मैन स्पिनर है और उसके बाद चक्रवर्ती उनको अच्छा कॉम्बिनेशन सेट करके दे रहा है स्पिनर्स डिपार्टमेंट के अंदर। चलिए चलिए, तो यश जी अभी जैसे मैच का हाल आप पिछले कुछ मैचेस आपने देखे हैं, तो अगर पिच की बात करी जाए तो किस तरीके से क्या लगता है कि टॉस काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट प्ले करेगा क्योंकि अगर टॉस जीते हैं तो क्या बैटिंग करना चाहेंगे या बॉलिंग करना चाहेंगे, क्या लगता है आपको? सर मैं समझता हूँ कि वैसे स्ट्रेटजी के हिसाब से देखा जाए अगर राजस्थान रॉयल टॉस जीतेगा तो वो बैटिंग करना पसंद करेगा क्योंकि उनके पास बैटिंग में डेप्थ है और एक अच्छा टारगेट सेट करेंगे तो बॉलिंग पर बॉलर्स को पता रहता है उनकी लिमिटेशन के हाउ डे आपको बॉल क्या प्लानिंग करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन अगर केकेआर का देखें तो क्योंकि बैटिंग क्लिक नहीं कर रही तो हो सकता है वो टॉस जीतते हैं तो पहले फील्डिंग करना पसंद करेंगे जिससे कि उनको पता रहे कितना स्कोर किया है उसके हिसाब से वो स्ट्रेटजी प्लानिंग करें। अच्छा फील्डिंग भी बहुत बड़ा एक एसेट होता है किसी भी मैच को जीतने के लिए, लेकिन लास्ट के कुछ मैच में देखा काफी गलत फील्डिंग हुई है तो क्या लगता है फील्डिंग कि... लेकिन तब मैटर करेगी ना, सिर्फ स्कोर होगा आपके पास में, मान लो अपने पास स्कोर ही नहीं होगा तो फील्डर भी क्या करेंगे अपने पास, वो फील्डिंग बिल्कुल जरूरी है T20 के तो एक तरह से रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, बैकबोन मानी जाती है फील्डिंग, लेकिन एक डिसेंट स्कोर जो है स्लो विकेट है अगर क्योंकि पार्टिया विकेट है वहाँ के सारे ज्यादा ग्रीन टॉप लश ग्रीन विकेट नहीं है तो हम समझते हैं 175 से ऊपर जो आपने देखा होगा मैचेस जो हो रहे हैं T20 के अंदर वहां पर, तो वो भी कई जैसे कल का मैच ही देखें आप इजीली चेजेबल नहीं हो रहा है वहां पर। चलिए बात करें आज के जो स्कोर हमारा प्रोडिक्ट स्कोर रहता है स्कोर प्रोडिक्शन की बात करें तो वसीम आपको क्या लगता है कि अगर राजस्थान रॉयल पहले बैटिंग करती है तो कितना स्कोर बना पाएगी या आपका कोलकाता पहले बैटिंग करती है तो कितना स्कोर बना पाएगी, क्या है आपकी प्रोडिक्शन आज के मैच को लेकर के? देखिए अगर अगर केकेआर बैटिंग करती है पहली तो वो केकेआर 160 to 175 के बीच में स्कोर रहेगा और अगर राजस्थान रॉयल बैटिंग करती है तो वो 185 तक रहेगा स्कोर। यश जी आपका स्कोर प्रेडिक्शन? मैं ये मानता हूँ बॉस के अगर राजस्थान रॉयल अगर आज बैटिंग करती है तो 195 से 200 के बीच में स्कोर रहेगा और वो इसके लिए कॉम्पिटेंट है क्योंकि जिस तरह से गेम दिखाया है वो बिल्कुल खुल के खेलते हैं पहले डिलीवरी से बिल्कुल खुल के खेलने के कारण ही ये है कि वो अच्छा स्ट्राइक रेट मेंटेन करते हैं आखिरी तक और अगर केकेआर अगर बैटिंग करती है तो बिल्कुल मैं अपने कलीग से मतलब ज्यादा बड़ा स्कोर आप नहीं देख रहे हैं आज के मैच में?
हाँ नहीं, 200 का स्कोर है तो बड़ा होगा, और अगर 200 बनाते हैं तो केकेआर के लिए डेफिनेटली मुश्किल क्रिएट कर देंगे, क्योंकि बॉलिंग लाइन अच्छी है, अच्छे स्पिनर्स हैं, अच्छा मिश्रण है, जो फास्ट अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं, और 200 अगर बनाता है राजस्थान में तो इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर केकेआर। चलिए देखिए आज कैसा होता है ग्राउंड जीरो पे, दोनों टीम कैसा परफॉर्म करती है, क्योंकि बैटिंग की अगर बात करें दोनों टीम के पास काफ़ी मजबूत बैटिंग लाइनअप है, लेकिन देखना ये होगा आज के मैच में किस तरीके से ग्राउंड जीरो पे दोनों टीम परफॉर्म करती है। तो जुड़े रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ, और आईपीएल की सभी अपडेट पाने के लिए हम कल फिर हम इसी टाइम मौजूद रहेंगे। तो धन्यवाद।